बहुत ही पुराने समय की बात है, रहस्यों के जमाने में दूर दराज के एक राज्य में एक राजकुमार रहता था। एक दिन राजकुमार अपने महल के छज्जे से बाहर देख रहा था। सैर सपाटे के लिए कितना सुहारा दिन है, मुझे अभी महल के बाहर जाना चाहिए, राजकुमार के कहकर घोड़े पर सवार होके निकल पड़ा। वो सूरजमुखी के खेतों के बीच से गुजरते हुए कुदरत की खूबसूरती का दीवाना हो गया। कितना सुंदर नजारा है, मुझे यहाँ एक झपकी ले लेनी चाहिए। राजकुमार एक झपकी लेने नीचे उतरा और बहुत जल्द उसे नींद आ गई। वो सीधा तब जागा जब सूरज डूबने वाला था। और जैसे ही वो वहां से रवाना होने वाला था, वहां एक खूबसूरत लड़की आ गई। राजकुमार को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। और फिर मुझसे शादी करोगी? राजकुमार ने लड़की से पूछा। मैं करूंगी, पर मेरी 3 शर्तें हैं। नंबर 1, तुम्हें रहना होगा मेरे साथ मेरे घर पर, सूरजमुखी के खेत के पास। नंबर 2, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी सूरज डूबने से लेकर उगने तक, हर रोज। नंबर 3, तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे कि मैं कहाँ जाती हूँ दिन होने पर। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। राजकुमार और उस लड़की की शादी हो गई और वो दोनों लड़की के घर पर रहने लगे। एक दिन सूरज उगते वक्त जब लड़की घर से जा रही थी, राजकुमार ने उसका पीछा किया। राजकुमार ने लड़की को गायब होते सुनहरे धुएं में बदलते देखा। लगता है वो किसी मुसीबत में है। राजकुमार कुछ देर तक खेतों में चलता रहा, कुछ देर सोच विचार किया और फिर उसने एक सूरजमुखी को तोड़ लिया और जादू से वो फूल उसकी रानी में बदल गया। सुनिए, आपने मुझे एक पुराने श्राप से आजाद करा दिया। मुझे इसके बारे में बताने की इजाजत भी नहीं थी। आपने सही सूरजमुखी कैसे पहचाना? सभी सूरजमुखी फूलों पर ओस की बूंदें थीं, क्योंकि वो रात भर बाहर थे, पर तुम पर नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ घर के अंदर थी। और इस तरह उसने अपनी अक्लमंदी से अपनी पत्नी को बचा लिया और वो हमेशा हमेशा के लिए साथ में दूर कहीं हर तरह के देश, समंदर और नदियों के पार एक शानदार राज्य था जिसके बहुत ही दयालु राजा थे। वहां एक गरीब किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी बड़बोली पत्नी के साथ रहता था। आप किसी काम के नहीं, कितने घटिया घर में रहते हैं हम। पर सुनो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बकवास है सब, काश कि मैं एक रानी होती। राजा और रानी वहां से गुजर रहे थे और दोनों ने किसान की बात सुनी। महाराज, उस किसान की पत्नी को ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी गरीबी का कारण खुद वही है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि महाराज, धन संभालने की जिम्मेदारी पत्नी की होती है।
उन दोनों को साथ मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति संभालनी चाहिए। मैं अपनी प्रजा की शांति चाहता हूँ। महाराज, आपकी इजाजत हो तो मेरे पास एक तरकीब है। राजा ने किसान और उसकी पत्नी को महल में बुलवाया। सुनो किसान, तुम्हारे लिए महारानी के पास एक सुझाव है। इनका मानना है कि अगर ये 3 महीने तुम्हारे घर पर रही तो ये घर को ढंग से चलाकर तुम्हारी गरीबी को मिटा सकती हैं। लेकिन महाराज, मेरी झोपड़ी तो महारानी के लिए बहुत ही छोटी पड़ जाएगी। तुम इस बात की चिंता मत करो, मुझे वहाँ की आदत पड़ जाएगी। तो ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा सर आँखों पर। और उस दौरान तुम्हारी पत्नी महल में रहकर एक रानी के सारे ऐशो आराम का मजा उठा सकती है। ये सुनकर किसान की पत्नी खुशी से झूम उठी। और फिर कितनी गंदगी है यहाँ। सबसे पहले मुझे यहाँ की सफाई करनी होगी। क्या ये मेरा ही घर है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। भाई, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। तुम्हें हर रोज पैसे कमाने के लिए बाहर जाना है, और अगर तुम कुछ दिन पैसे ना कमा पाए तो कोई बात नहीं, पर हर हाल में घर में कम से कम एक लकड़ी जरूर लेकर आना। जरूर महारानी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। महारानी हर रोज किसान की कमाई से बचत करने लगी और घर के लिए नई नई चीजें खरीदने लगी। और उसी दौरान महल में महारानी के सारे जेवर और कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। ये देखकर राजा बहुत ही चिंतित हो गए और महारानी के लौटने का इंतजार करने लगे। तीन महीने पूरे होने के बाद किसान का घर बिल्कुल नया बन चुका था और अब वो कुछ नई जमीन और साथ ही गाय भैंस भी खरीद पाए। अरे वाह, विश्वास नहीं होता कि ये मेरा घर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महारानी, किसान ने कहा। देखो बहन, किसी भी देश के राजा के पास बहुत से सलाहकार होते हैं, पर फिर भी उसे जिंदगी में एक जिम्मेदार पत्नी की जरूरत होती है। तो खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि आप साथ मिलकर घर कैसे चलाती हैं। किसान की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका सर शर्म से झुक गया। और देखने का मन कर रहा है ना आपको, तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा के संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।